हेलो फ्रेंड्स, रेसिपीज मैड इजी बाय साधना और साधना झोमस रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे ओरियो बिस्किट से चॉकलेट बॉल। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। बहुत कम वक्त में बन जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं चॉकलेट बॉल बनाना। मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चॉकलेट बॉल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो ओरियो बिस्किट के पैकेट लिए हैं। बिस्किट निकाल लेते हैं। दो पैकेट में टोटल 20 बिस्किट हैं। अब हम इसकी तोड़ के पाउडर बनाएंगे। हमें इसके अंदर का क्रीम नहीं निकालना है, हमें इसे हल्का दरदरा ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड कर लेते हैं। ओरियो बिस्किट की पाउडर तैयार है। हमें इस टाइप की पाउडर चाहिए। प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम ओरियो के बिस्किट के पाउडर में 2 बड़े चम्मच चॉकलेट सिरप डालेंगे। दूध डालेंगे। दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हमें इसका सॉफ्ट डो बनाना है। सॉफ्ट डो बनाने के लिए मुझे 4 चम्मच दूध लगा। अगर आपका डो सॉफ्ट नहीं हो रहा है तो और थोड़ा दूध डाल दीजिए। अब हम इसके चॉकलेट बॉल्स बनाएंगे। इस तरह से गोल करके, इस पे बिल्कुल भी क्रैक नहीं आने चाहिए। इस तरह से बाकी के बॉल्स बनाएंगे। दो ओरियो के पैकेट से हमारे 5 चॉकलेट बॉल्स तैयार है। इसे 15 मिनट तक फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। मैंने यहाँ पे 2 चॉकलेट कंपाउंड लिए हैं, एक डार्क चॉकलेट कंपाउंड, एक व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड। अगर आपके पास डार्क चॉकलेट कंपाउंड नहीं है तो इसकी जगह आप चोको चिप्स ले सकते हैं, उसको मेल्ट करके यूज कर सकते हैं, या डेरी मिल्क की कैडबरी भी मेल्ट करके यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास चॉकलेट कंपाउंड भी नहीं है और डेरी मिल्क कैडबरी भी नहीं है तो चॉकलेट बॉल्स वैसे भी खाने के लिए अच्छे लगते हैं। अब हमें डबल बॉयलर से चॉकलेट कंपाउंड को मेल्ट करना है। अगर आपके पास ओवन है तो आप उसमें भी मेल्ट कर सकते हैं। पतीले में मैंने यहाँ पे पानी गर्म होने को रखा है, उसको उबाला गया है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और उसके ऊपर चॉकलेट कंपाउंड रख देते हैं। अब उसको मेल्ट होने देंगे। जो भी बर्तन आपने यूज किया है वो पानी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे चॉकलेट कंपाउंड मेल्ट होने लगा है। आपको इसे हिलाते ही रहना है। हमारा चॉकलेट कंपाउंड अच्छे से मेल्ट हो चुका है, निकाल लेते। दोनों ही कंपाउंड हमने मेल्ट कर लिए है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, हमारे चॉकलेट बॉल अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब हम चॉकलेट बॉल के ऊपर कोट करेंगे। फोक की सहायता से निकाल लेंगे।
मेरे पास स्प्रिंकल्स है तो मैं यहाँ पे गार्निश कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप डार्क चॉकलेट को ही ग्रेट करके डाल सकते, डेकोरेट कर सकते। अब हम इसे 15 मिनट तक फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं, हमारे चॉकलेट बॉल अच्छे से सेट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे दिख रहे हैं। आप इसे बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, बहुत कम वक्त में बन जाते हैं।